हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, द मोस्ट कॉमन डिजीजेस, एंड वी हैव सीन आल्सो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउ दे इन्फेक्ट द बॉडी, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू विल फाइंड इन द बॉडी ड्यू टू दिस डिजीजेस। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टन वैक्टर्स। सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड in the previous class. Today we'll discuss about a very small topic, that is prevention and control of the infectious disease. देखो actually जब हम लोग किसी भी infectious disease के बारे में बात करते हैं तो we understand कि उसमें जो causative organism होता है उसको grow करने के लिए, उसको proliferate करने के लिए, उसको disease transmit करने के लिए एक preferable environment चाहिए होता है. Now the basic thing to avoid this kind of infectious disease is to avoid those conditions which allow the proliferation of such kind of pathogenic organisms or the vectors. तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटे से टॉपिक में, that is prevention and control of infectious diseases. Now the first thing that you need to maintain to avoid any kind of infection or disease is the maintenance of personal and public hygiene. अपने आप को आपको हाइजीनिक रखना है. यू हैव टू कीप योरसेल्फ क्लीन, यू हैव टू कीप योरसेल्फ सैनिटाइज्ड, यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डर्टी डेली लाइफ एक्टिविटीज विच माइट इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द हाउस और इनटू योर लाइफ. तो ये सब चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एट पर्सनल लेवल भी करना है और एट पब्लिक लेवल भी. नाउ सी, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन, इसके अंदर क्या क्या आता है? पर्सनल हाइजीन विल इंक्लूड कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इट्स नॉट लाइक आप कोई भी ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करेंगे तो यू विल बी सेफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कॉन्टामिनेटेड वाटर में मिलते हैं. सो इफ यू कंज्यूम दोज काइंड ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, दैट कैन कॉज यू द डिजीज. बिसाइड्स दैट, कॉन्टामिनेटेड फूड ऑल्सो कैरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज पार्टिकल्स और द डिजीज ऑर्गेनिजम्स. Vegetables, fruits, whatever you are consuming in your daily life, you have to maintain a very healthy kind of fooding habit and try to sanitize and try to make every food material that you eat free of microorganisms. And इसमें एक point आप add कर सकते हैं, cooking. Cooking is a very important part. See, whenever you are cooking the food, what actually happens, आप उसको high temperature पे cook करते हो. As a result, बहुत सारे microorganisms उसी में ही मर जाते हैं. तो वो भी एक factor आप यहाँ पे add कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन, अगर आप पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं तो पब्लिक हाइजीन में मेजरली आपका वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म इंक्लूड होता है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीटा. नाउ एज ह्यूमंस वी पीपल एक्सक्रीट अ लॉट अमाउंट ऑफ वेस्ट आइदर थ्रू यूरिन और थ्रू स्टूल और फीकस. तो वी आर एलिमिनेटिंग मच अमाउंट ऑफ सच काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. बिसाइड्स दैट, हमारे होम एक्टिविटीज के, डेली एक्टिविटीज के वेस्ट, जो डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं, वो भी प्रोड्यूस होता है, जिसमें भी कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है. तो इन सब चीजों को हमें प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. वी हैव टू डिस्पोज ऑफ देम वेरी प्रॉपरली टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. नाउ थर्डली एनफ, यू विल सी कि अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस. दिस इज अ वेरी कॉमन नोशन, हम लोग जानते ही हैं कि अगर किसी को कोई डिजीज हुआ है, मेनली अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, उनसे थोड़ा दूरी रखना ही प्रिफरेबल होगा. द रीजन इज मोस्ट ऑफ दिस डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेशन. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वो स्प्रेड कर सकता है, या फिर थ्रू स्नीज एंड कॉफ दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड. सो इफ यू आर कमिंग इन क्लोज कॉन्टेक्ट और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, यू रिस्क योर सेल्फ हैविंग द डिजीज. तो इसीलिए we need to avoid any close contact with infected persons. But iska matlab ye nahi hai ki aap unko nahi chhuoge, unke paas nahi jaoge. You will treat them like untouchables. That is inhuman. Any diseased person, take care of them, but try not to go very close so that the disease will be transmitted to you. Okay. The next one is vector borne diseases jo hote hain, unka controlling or breeding, ye ek bahut important you can say प्रिकॉशन है जो हम लोग ले सकते हैं टू अवॉइड दिस डिजीज. सी लाइक एग्जांपल, अगर आप मॉस्किटो लेते हो तो मॉस्किटो दे आर वेक्टर फॉर मेनी डिजीज. हमने पहले भी देखा है
डेंगू के लिए भी मॉस्किटो ही एक वेक्टर होता है, चिकनगुनिया के लिए भी, मलेरिया के लिए भी, फाइलेरिया के लिए भी। तो ये मॉस्किटो या फिर जो वेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उनका ब्रीडिंग प्लेसेस कहाँ कहाँ पे है, किस किस जगह पे वो ब्रीड करते हैं, या फिर किस तरह से उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। तो हाउ टू डू दैट, एक मेथड ये है टू अवॉइड स्टेगनेंट वाटर इन एंड अराउंड योर रेजिडेंशियल एरियाज। जहाँ पे भी पानी जमा होता है, मॉस्किटोज दे ले देयर लार्वा, दे ले देयर एग, और वहीं पे वो अपना लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। तो पानी अगर जमा होगा तो इस टाइप के वेक्टर्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो जस्ट क्लीन आउट ऑल योर एनवायरनमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेगनेंट वाटर। फ्लोइंग वाटर इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादातर मॉस्किटो एंड ऑल वो अपना एग्स ले नहीं करते हैं फ्लोइंग वाटर में, उनको एक कॉन्स्टेंट वाटर चाहिए जो फ्लो नहीं करता, जो एक ही जगह पे जमा होके रहता है। तो आपके घर पे अगर कोई खाली बर्तन है या फिर कोई वेस्ट मटेरियल है जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, या फिर ऐसा कोई एरिया है घर के आसपास जहाँ पे गड्ढा हो गया, पानी जमा हो गया, ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू एलिमिनेट द वाटर फ्रॉम दोज एरियाज, ठीक है, बिकॉज दैट कैन बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड। सेकेंडली इनफ यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट्स आजकल तो हमारे पास बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए हैं, यू आर यूजिंग लिक्विडेटर एंड ऑल टू अवॉइड मॉस्किटोज, बट जहाँ पे नहीं होता, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेनली द पुअर पीपल, उनके लिए मॉस्किटो नेट ही प्रेफरेबल होता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्टामिनेशन और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द वेक्टर्स। ओके, विंडोज एंड डोर्स मस्ट बी फिटेड विथ वायर मैस। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपके विंडोज और डोर्स जो होते हैं उसके ऊपर एक वायर मैस अगर आप फिट कर देते हैं, दिस इंसेक्ट्स विल नॉट बी एबल टू कम इन टू योर हाउस एंड यू कैन अवॉइड दिस इन्फेक्शियस कंडीशन। एज वेल एज ऑल द प्रिकॉशंस आर यूजफुल फॉर वैक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया एटसेट्रा। तो ये सब मेथड्स हम लोग यूज करते हैं टू गेट आवर सेल्फ रीड ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट डिजीजेस विच आर वैक्टर बॉर्न मेनली। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ऐड नहीं किया है, बट आई वुड लाइक टू मैंशन कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिवेंट सर्टन डिजीजेस। कुछ डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एंड मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्लान्स होते हैं, जैसे आपका पोलियो वैक्सीन हो गया, DPT डायप्थीरिया वैक्सीन हो गया, हेपाटाइटिस वैक्सीन हो गया। तो ये सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट खुद लॉन्च करता है, एंड बाय दैट ऑल्सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। बिसाइड्स दैट लाइक NMEP, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। सो देर आर प्रोग्राम्स विच आर गिवन बाय गवर्नमेंट लाइक NMEP, दिस इज नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, और NFEP भी होता है, नेशनल फाइलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करता है, इट इज जस्ट कीपिंग इन माइंड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इम्यूनिटी। थैंक यू एवरीवन।